तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ, जिस समस्या का नाम है भूकंप। भाई भूकंप कोई समस्या नहीं है, लेकिन कभी कभी ये समस्या बन जाती है। अब वो कैसे आप लोग खुद ही देख लो। तो गाइस ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब भी भूकंप की एबिलिटी यूज करते हैं तो फिर हमें बंदा मार ही देता है। भूकंप की एबिलिटी तुरंत ही टूट जाती है, मतलब हम जब भी भूकंप की स्किल यूज करते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता है और भूकंप की स्किल टूट जाती है। तो इस समस्या का समाधान लेकर आपका भाई आ चुका है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए चार ट्रिक बताई है, जिसमें से एक ट्रिक ये भी है कि आपका ये भूकंप जो आप एबिलिटी यूज करते हो वो तुरंत से नहीं टूटेगी। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% भूकंप यूज करना आ जाएगा और आपको खुद एक भगवान वाली फीलिंग आने लगेगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए भूकंप को यूज करने की ट्रिक भी बताने वाला हूं और आप लोग भूकंप को यूज करते टाइम क्या गलती करते हो जिससे कि भूकंप की एबिलिटी बहुत जल्दी टूट जाती है और सामने वाला बंदा आपको मार के चला जाता है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो इसीलिए तो और भूकंप की एबिलिटी एक सेकंड में टूट जाती है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर भूकंप की एबिलिटी टूटने से बचना है। तो ठीक है गाइस, फिर अभी चलते हैं अपन वीडियो की टिप नंबर 1 की तरफ। तो गाइस टिप नंबर 1 में हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं कि हम भूकंप बने बने ग्रेनेड यूज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आपको भूकंप बने बने ग्रेनेड का यूज अगर करना है तो आपको सबसे पहले ग्रेनेड लेना है और फायर वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको भूकंप बनना है। उसके बाद आप आराम से ग्रेनेड को कुक भी कर सकते हो और फिर एनिमी के ऊपर फेंक भी सकते हो। अब यहाँ पर कई बंदे गलती क्या करते हैं जिससे कि बंदे मूर्ख समझने लगते हैं कि भाई ये सब गलत बता रहा था। अब यहाँ पर बंदे गलती क्या करते हैं कि वो पहले भूकंप बन जाते हैं, उसके बाद वो ग्रेनेड लेते हैं हाथ में और फिर उसके बाद वो फायर वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो भूकंप की एबिलिटी टूट जाती है। तो यहाँ पे आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको भूकंप बने बने ग्रेनेड फेंकना है तो फिर पहले आपको ग्रेनेड हाथ में लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको फायर वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको भूकंप की एबिलिटी यूज करना है। तो ये ट्रिक थोड़ी सी कठिन है क्योंकि इतने में हमें कोई भी बंदा मार सकता है, लेकिन ये ट्रिक हम जब किसी के ऊपर रश कर रहे हैं तो फिर ये ट्रिक का यूज हम कर सकते हैं कि हमको ग्रेनेड हाथ में लेना है और हम भूकंप बन के जाएंगे और वहां पे जाके कुक करके आराम से बंदे के ऊपर हम फेंक सकते हैं। तो ये तो हमारी पहली ट्रिक। अभी हम चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो गाइस ट्रिक नंबर 2 जो हमारी वो है यूज भूकंप। हमें भूकंप यूज करना कैसे है, तो गाइस मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि भूकंप यूज आपको करना कैसे है, कहां पे करना है। तो गाइस आपको भूकंप यूज करना कब है, जब आपके ऊपर कोई रस मार रहा हो। अब देखो यहां पे मैंने एक बंदे को डाउन किया और मैंने तुरंत से भूकंप की एबिलिटी यूज की क्योंकि मुझे पता था कि दूसरा बंदा भी आने वाला है। उसके बाद मैंने दूसरे बंदे को भी मार दिया। अब मैंने उसे कैसे मारा, क्योंकि भाई मैं भूकंप बना था और उसकी कुछ गोलियां मिस हो गई और मैंने उसे आराम से मार दिया। तो गाइस आपको ऐसे ही सिचुएशन में ही भूकंप को यूज करना है, जब आपके पर कोई रस मार रहा हो या फिर आप किसी के ऊपर रस मार रहे हो तब यूज करना है, ना कि उस टाइम पे जबकि आपको बंदा फायर कर रहा हो, आप पिट रहे हो और आपने उसी टाइम में आपका भूकंप यूज कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको भूकंप यूज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक क्लिप और दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि ये बंदा देखो भूकंप बना, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे आपको कभी भी भूकंप नहीं बनना है। अब देखो मैंने यहाँ पे सही तरीके से भूकंप का यूज किया, उसने नहीं किया था जबकि उसके पास भी भूकंप था और मेरे पास भी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। अब देखो यहाँ पर एक बंदा और है लेकिन इसने थोड़ा सा दिमाग का काम किया। अभी देखो मैं इसके ऊपर रस मार रहा हूँ तो देखो ये भी भूकंप बन गया। ये इसका बहुत अच्छा तरीका था लेकिन इसने गलती एक कर दी कि इसने पहले से फायर कर दिया मुझे, मतलब उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, अच्छे से एम मिलाना चाहिए था, उसके बाद मुझे मारना था। और एक बात और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, कभी भी आपको सोलो में भूकंप यूज करना ही नहीं है। मतलब अगर आप सोलो में गेम खेल रहे हो तो फिर भूकंप का कोई फायदा नहीं है। आपके पास अगर कोरोनो है तो फिर आप कोरोनो यूज करो सोलो गेम में, और अगर आप सर्वाइव करके खेल रहे हो तो भी आप भूकंप का यूज बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाई भूकंप का यूज तब किया जाता है जब हम रस करते हैं। अब ये बात तो आप लोगों के लिए पता ही होगी कि भूकंप का यूज ऐसे ही किया जाता है। अगर हम पूरी स्क्वाड पे रस कर रहे हैं तो फिर भाई एक बंदे को डाउन किया और तुरंत से हम भूकंप बन गए, दूसरा बंदा आया मैंने उसे भी मार दिया और फिर हम तुरंत से फिर से भूकंप बन गए। उस बीच में अगर स्क्वाड है पूरी तो फिर हम दो बंदों को तो मार ही देते हैं। तो अगर आप रस कर रहे हो तभी आप भूकंप का यूज करो। तो गाइस ये तो था हमारा दूसरा ट्रिक। अभी हम चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 3 की तरफ जो कि सबसे खास है।
तो गाइस ट्रिक नंबर 3 जो हमारी वो है मिस्टेक्स। आप लोग बुकोंग को यूज करते टाइम क्या गलती करते हो जिससे कि आपको बंदा मार के चला जाता है। तो गाइस अभी आप लोग एक क्लिप देख रहे होंगे, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि वहाँ पे बंदे हैं। आप देखो मुझे डैमेज पड़ा और अगर ऐसे टाइम पे मैं बुकोंग बन जाता तो फिर मेरी बुकोंग की एबिलिटी तुरंत से टूट जाती। लेकिन मैं बुकोंग ऐसे टाइम पे बना जबकि बंदा हमें फायर नहीं कर रहा था। अभी देखो मैंने इस बंदे को डाउन किया, अब यहाँ पर हमें कोई भी बंदा मार सकता है क्योंकि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। वो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या गलती कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम आराम से बैठ के बुकोंग की स्किल यूज कर रहे हैं। भाई बैठ के बुकोंग की स्किल यूज होती ही नहीं है, कभी कभी हम रश करते टाइम ये गलती कर ही देते हैं क्योंकि ज्यादातर बंदे ऐसे होते हैं कि वो बैठ के लूट करते हैं। और अभी मैं भी यहाँ पे बैठ के लूट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि बुकोंग क्यों नहीं मेरा बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि बुकोंग चार्ज नहीं है और फिर मैंने तुरंत से यहाँ पर मैंने उठने वाले बटन पे क्लिक किया और उठ के और मैं तुरंत से बुकोंग बन गया। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी बुकोंग का यूज कर रहे हो तो आपको खड़े होकर ही बुकोंग का यूज करना है। आप कभी कभी बैठ के बुकोंग का यूज करते हो तो वो होता नहीं है। ये थी हमारी पहली मिस्टेक। अब आप लोग दूसरी मिस्टेक क्या करते हो? तो देखो अभी मैं यहाँ पे आया लूटने के लिए, अब सामने मुझे बंदा दिख गया और मैंने इसके ऊपर फायर किया। अब उसने कोरोनो यूज कर लिया तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कैरेक्टर एबिलिटी भी यूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बुकोंग यूज किया और तुरंत से बुकोंग बन के और तुरंत से फिर से हट गया। तो गाइस यही सबसे बड़ी गलती है जो कि आप लोग करते हो जिससे कि आपका बुकोंग एक सेकंड के अंदर टूट जाता है। कभी भी अगर बंदा आपको मार रहा है तो आपको बुकोंग का यूज नहीं करना है, वहाँ पे आपको ग्लूवल का यूज करना है। क्योंकि होता क्या है कि बंदा आपके ऊपर फायर कर रहा है और उसी बीच आप बुकोंग बनते हो तो बुकोंग में गोली एक गोली लग ही जाती है जिससे कि बुकोंग तुरंत से टूट जाता है। अभी आप लोगों के लिए पता ही होगा कि अगर बुकोंग को एक गोली लग गई तो बुकोंग की एबिलिटी तुरंत से टूट जाती है। और अगर बंदा आपके ऊपर फायर कर रहा है, एम बंदे का आपके ऊपर ही है और उसी बीच अगर आप बुकोंग बन गए तो फिर आपके ऊपर ही एम है तो गोली तो लगेगी ही उस बुकोंग में भी और वो तुरंत से टूट जाता है। फिर आप लोग गाली देते हो कि भाई ये बुकोंग कैसा कैरेक्टर है, ऐसा है वैसा है, जबकि उसमें बुकोंग की क्या गलती? भाई गलती आपकी है, आपने गलत टाइम पे यूज किया बुकोंग का। नहीं लेकिन भाई हमें तो बुकोंग यूज करना आता है, हम गलती कैसे कर सकते हैं? बुकोंग की गलती है, ये साला घटिया कैरेक्टर है। तो गाइस यहाँ पे आप बुकोंग की गलती मत देखो, यहाँ पे आप खुद की गलती देखो कि आप गलती क्या करते हो। तो अब से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको बुकोंग की एबिलिटी टूटने से बचाना है तो आपको कभी भी फाइट करते टाइम मान लो बंदा आपके ऊपर फायर कर रहा है तो आपको बुकोंग की एबिलिटी यूज नहीं करना है। जब बंदा आप पे फायर ना कर रहा हो तब आपको बुकोंग की एबिलिटी यूज करके यहाँ से वहाँ जाना है और फिर आप लोग, या फिर मैंने आप लोगों को पिछली ट्रिक में बताया कि आपको बुकोंग का यूज कैसे करना है, तो आपको वैसे यूज करना है। आप बंदे के ऊपर रश मार रहे हो तो आप बुकोंग का यूज करके जाओ, बुकोंग बन के जाओ तो आप लोग आराम से सामने वाले बंदे को मार सकते हो। और एक बात और, अगर आप बुकोंग बने हो तो बुकोंग बन के एक ही जगह पे खड़े मत रहना। आपको बुकोंग जो, अगर आप बुकोंग बन गए हो तो फिर आपको चलते ही रहना है। बुकोंग की जो घास बन जाती है उसे यहाँ वहाँ घुमाते ही रहना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बुकोंग की घास एक ही जगह पे कर लोगे तो फिर बंदा आराम से उसे मार सकता है और एक ही गोली में बुकोंग की एबिलिटी टूट जाएगी। और अगर आप उसे यहाँ वहाँ करते रहोगे तो फिर बंदे का एम जाता नहीं है बुकोंग की एबिलिटी पे। और खास करके ये प्रॉब्लम शॉर्ट रेंज में ज्यादा होती है। शॉर्ट रेंज में अगर बंदा बुकोंग बना हुआ है तो फिर उसके ऊपर एम जाता ही नहीं है, बस जो बंदा बुकोंग बना है वो यहाँ वहाँ घूम बस रहा हो। तो गाइस ये तो थी हमारी ट्रिक नंबर 3। अभी हम चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो गाइस ट्रिक नंबर 4 है बुकोंग वर्सेस बुकोंग। अब भाई मान लो आपके ऊपर कोई बंदा रश कर रहा है बुकोंग बनके, तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? अगर आपके पास भी बुकोंग है तो आप लोग गलती क्या करते हो, उस बुकोंग की एबिलिटी को तोड़ने में लग जाते हो। जो बंदा आपके ऊपर रश कर रहा है बुकोंग बनके तो आप उसकी एबिलिटी तोड़ने में लग जाते हो, जबकि आपका बुकोंग भी चार्ज है भाई, तो आपका बुकोंग भी यूज कर लो। अब सामने वाला बंदा पहले बुकोंग बना था तो पहले उसकी एबिलिटी टूटेगी, उसके बाद आपकी एबिलिटी टूटेगी। तो टेंशन उसे होना चाहिए जो रश मार रहा है बुकोंग बनके कि भाई ये बंदा भी बन गया, अभी मेरी एबिलिटी पूरी होने वाली है और ये बंदे की पूरी एबिलिटी होगी नहीं, तो फिर पहले वो बुकोंग मिटेगा, उसके बाद आपको अच्छे से एम मिलाना है हेड पे और मार देना है। तो कभी भी अगर बंदा आपके ऊपर रश कर रहा है तो आपको भी बुकोंग बन जाना है, ना कि उसकी एबिलिटी तोड़ने में लगना है। और कोरोनो वाले बंदे को तो डर ही नहीं लगता बुकोंग से, क्योंकि भाई बुकोंग जब तक कोरोनो के पास आता है तब तक उसकी एबिलिटी भी टूट जाती है और वो बंदा भी टूट जाता है। लेकिन बुकोंग की एबिलिटी एक तो भाई कोरोनो से बहुत ही अच्छी है। अब वो ये है कि हम बुकोंग बन के यहाँ वहाँ घूम सकते हैं लेकिन हम कोरोनो एबिलिटी लेके यहाँ वहाँ नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है हमें बुकोंग की एबिलिटी में। तो ठीक है गाइस, फिर बस यही था आज का हमारा वीडियो। आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट ध्यान से कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।